शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 15 अगस्त को विधायक समीर कुनावार के हाथों हिंगन घाट में यातायात नियंत्रण उपजिला शाखा का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वर्धा जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के उपस्थिति में यातायात नियंत्रण उपशाखा हिंगन घाट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सागर कवड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोशन पंडित, पुलिस निरीक्षक मारुति मुरुक, विनित घाके, वर्धा जिला के यातायात विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक और पुलिस उप निरीक्षक करुणा बुसे उपस्थित थे। इस उद्घाटन अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। परिवहन शाखा बनने से आने वाले समय में शहर की परिवहन व्यवस्था सुचारू होगी। ये शाखा बनने से हिंगन घाट शहर की परिवहन को अनुशासित किया जाएगा। आज का सर्वात अपना पवित्र दिवस 15 ऑगस्ट अपना राष्ट्रीय सण आणि आपण तो 15 ऑगस्ट सादर करताना आपल्याला पुन्हा एक भेट मिळाली आहे हिंगन घाट शहरासाठी। गेल्या 3 महिन्यापासून आम्ही SP साहेबांच्या आणि कलेक्टर साहेबांच्या त्यांना विनंती केली होती की हिंगन घाटमध्ये एक वाहतूक शाखा वेगळी द्या, कारण की इथे पोलीस स्टाफ जो आहे त्याच्यावरती अतिरिक्त वाहतुकीचं जर काम पडलं तर इकडे स्टाफ त्यांना कमी पडतो। म्हणून आम्हाला जसं वर्धेला वाहतूक शाखा आपण निर्माण केली तशी हिंगणघाटला एक वाहतूक शाखा वेगळी निर्माण करू द्या असं आम्ही SP साहेबाला विनंती केली होती आणि त्यांनी आपल्याला विनंतीला मान देऊन त्यांनी आपल्याला हिंगणघाटला ही वाहतूक शाखा आज मंजूर केलेली आहे आणि याच्यासाठी एक वेगळं कार्यालय आणि याच्यासाठी 9 ते 10 लोक त्यांनी वेगळे आपल्याला स्टाफ दिलेला आहे अतिरिक्त पोलीस बळाच्या, आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला 2 मोटरसायकल दिलेल्या आहेत ज्या वाहतुकीचं काम करेल। 1 4-व्हीलर गाडी आपल्याला वाहतूक नियंत्रण करण्यासाठी मिळालेली आहे। त्यामुळे हिंगणघाट शहराचा जो वाढता विस्तार आहे याच्यामध्ये वाहतुकीचे नियम लावणे, वाहतुकीचे नियम, त्यानंतर रस्त्यावरची रहदारी, त्यानंतर जे लोकांना त्रास होतो, ट्रॅफिक जाम होते किंवा चुकीच्या पद्धतीचं पार्किंग, अशा अनेक गोष्टी वाहतुकीच्या होत असतात। मोठ्या सणामध्ये सुद्धा ट्रॅफिक जाम वगैरे खूप होतो, त्यामुळे आता वाहतुकीचे नियम अनेकांना इथे आपल्याला म्हणजे जे वाहतुकीचे नियम पाळत नाही त्यांना आता वाहतुकीचे नियम पाळावं लागेल, कारवाई होईल आणि ही वाहतूक शाखा डायरेक्ट SP ऑफिसची जोडली गेलेली आहे। त्यामुळे वर्धेलासुद्धा त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून मोठा मोटरसायकल्स वगैरे घेऊन एक वेगळी शाखा जिल्ह्याला दिली आणि त्याचीच ब्रँच आता हिंगणघाटला येत आहे। त्यामुळे मी SP साहेबांचं खूप धन्यवाद देतो की आपण आमच्या विनंतीला मान देऊन ही वाहतूक शाखा हिंगणघाटमध्ये सुरू केली आणि वाहतूक शाखेमुळे हिंगणघाटचे सर्व आम्ही वर्धामध्ये जॉईन केलो होतो। त्यावेळेस एक मीटिंग घेतली होती, आमदारसाहेबसोबतसुद्धा भेटलो होतो। तर आमदारसाहेबांची डिमांड होती की या हिंगणघाट शहरामध्ये एक वाहतूक शाखा, चांगली वाहतूक शाखा, वेगळी वाहतूक शाखा आपण करा। नागरिकांसोबत मी शांतता कमिटीची मीटिंग घेतली, एक जनरल मीटिंग घेतली होती। नागरिकसुद्धा म्हणत होते की आम्हाला वाहतुकीची खूप अडचण आहे, त्याची एक वाहतूक शाखा तुम्ही करा। नंतर आम्ही आमचे IG साहेबांसोबत डिस्कस केला आणि वरिष्ठांसोबत डिस्कस केला। त्यांचा असा म्हणणं होता की आपण आपल्याला सँक्शन स्ट्रेंथ खूप दिवसांनी भेटते, 3-4 महिने, 5 महिने, 6 महिने लागतील त्याच्यासाठी। तर आम्ही असा नियोजन केले की आमची जी स्ट्रेंथ आहे त्या स्ट्रेंथवर आम्ही हिंगणघाटची वाहतूक शाखा आता सुरू करत आहे। नंतर आम्ही शासनाला आम्ही एक प्रस्ताव पाठवणार ज्याच्यामुळे आम्हाला एक सँक्शन स्ट्रेंथ वेगळी मिळणार आहे। तर विशेष म्हणजे हिंगणघाट शहर मोठा शहर आहे, वर्धा काही गोष्टीमध्ये वर्धापेक्षा मोठा आहे, त्यामुळे इथे वाहतूक शाखा, इंडिपेंडेंट वाहतूक शाखा होणं गरजेचं आहे। पोलीस स्टेशनमध्ये वाहतूक शाखा होती, परंतु पोलीस स्टेशनमध्ये वेगवेगळे काम आहे, लॉ अँड ऑर्डरची ड्युटी आहे, ते फक्त ट्रॅफिकवर कॉन्सन्ट्रेट करू शकत नाही। आत्ता एक वेगळी वाहतूक शाखा जी ट्रॅफिकवर कॉन्सन्ट्रेट करणार, ट्रॅफिकचे सगळे काम करणार, ते वाहतूक शाखा आत्ता सुरू झालेली आहे। वेगवेगळा साहित्य आम्ही वाहतूक शाखाला दिलेले आहे। आमदार साहेबांनी म्हटलं की आपण 4 गाडी द्या, मी कॅमेऱ्यावर सांगतो उद्यापासून या 4 गाडी आम्ही वाहतूक शाखाला देतो। दुसरी गोष्टी, हिंगणघाटचे जे नागरिक आहेत त्यांना मी विनंती करतो की आपण वाहतुकीचे जे नियम आहे ते नियम पाळा, कारण ते नियम आमच्यासाठी नाही आहे, आपल्यासाठी आहे, म्हणजे आपले भलाईसाठी आहे, आपले वर कोणत्याही प्रकारचा ॲक्सिडेंट वगैरे होता कामा नाही यासाठी आहे। जाममध्ये आत्तापर्यंत 18 ॲक्सिडेंट झालेले, त्याचबरोबर हिंगणघाटमध्ये सुद्धा बरेचसे ॲक्सिडेंट झाले, ॲक्सिडेंट कमी झाले पाहिजे यासाठी जे माननीय खासदार साहेबांची जी समिती आहे त्या समितीमध्ये आता डिसाईड झालेलं आहे की जवळपास 2% DPDC ची निधी
रस्ता सुरक्षेसाठी रस्त्यामध्ये जे ॲक्सिडेंट होतात त्यांना कमी करण्यासाठी ते खर्च करणार आहे, तर त्यातून सुद्धा आम्हाला निधी भेटणार. बाकी जर निधीची कमी पडली तर आमचे आमदार साहेब, सरदार साहेब आणि कलेक्टर साहेब आहेत त्यांच्याकडून आम्ही निधी घेतो. आणि आमची अशी अपेक्षा आहे की वर्धासारखी, एकदम वर्धासारखी ट्रॅफिक ब्रांच या शहरामध्ये हळूहळू सुरू होईल. आत्ता सुरुवात झालेली आहे, लेकिन कहते हैं कि शुरुआत होना चाहिए. शुरुआत अगर आपने कर दी है, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया. तो अभी शुरुआत की है, धीरे धीरे इसको बहुत ही अच्छे लेवल पे अपन लेके जाएंगे. आपको आपल्याला माहिती असेल, आपला नवीन पोलीस स्टेशनचा सँक्शन झालेला आहे. माननीय उपमुख्यमंत्री साहेबांनी नवीन पोलीस स्टेशनसाठी निधी दिलेली आहे. काही दिवसात आपला पोलीस स्टेशनचं निर्माणसुद्धा सुरू होईल. इथे आमचे जे कॉन्स्टेबल आहेत त्यांच्यासाठी जवळपास 160 किंवा 170 आहे ते क्वार्टरसुद्धा, त्याचा निर्माण आता होईल. टेंडरचे प्रोसेसमध्ये आहे बाकी सगळी गोष्टी झालेली. आता टेंडर राहिलेला आहे, काही दिवसात टेंडर होईल, होऊन हे सगळे आपल्याला नवीन बिल्डिंगसुद्धा भेटतील. विशेष म्हणजे आपले हिंगणघाट शहरासाठी एक चांगला प्रशासन, चांगला वाहतुकी प्रशासन देण्यासाठी जे आपले माननीय आमदार साहेब यांची जी विनंती होती त्यानुसार आम्ही याच्यावर कारवाई केली. यापुढेसुद्धा या प्रकारचे उपक्रम आपले हिंगणघाटसाठी जसे जसे गरज असेल त्या आम्ही सुरू करू. बीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट. अधिक मास श्रावण का आज अंतिम दिन है, इसी को काफी शुभ माना जाता है. इस दिन सच्चे मन से पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं. अधिक मास श्रावण के अंतिम दिन में कन्हान नदी पर श्रद्धालु कांवर यात्रा निकलते देखे. कांवर यात्रा की परंपरा हमारे देश में सदियों से चलती आ रही है. भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालु पैदल चलकर जल अर्पित करते हैं. ऐसा ही एक नजारा कन्हान नदी पर देखा गया. अनेकों श्रद्धालु कन्हान नदी से जल लेकर शिव मंदिर में जल अर्पित कर पूजा अर्पणा की. हालांकि अभी सावन की समाप्ति नहीं हुई है क्योंकि इस वर्ष 2 महीने की श्रावण है. मिशन न्यूज के लिए पार्श्वनी से रूपेश खंडारे की रिपोर्ट. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बल्लारपुर नगर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शाम को पूरे शहर में पथ संचलन कर शहर देश प्रेमी की भावना को द्विगुणित किया. पथ संचलन की शुरुआत जाकिर हुसैन वार्ड के महिला कॉलेज से होकर पुराने बस स्टेशन से नए बस स्टेशन, गोल पुलिया से गांधी चौक से ध्वजारोहण स्थल तक पहुँचा, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 120 निष्ठावान स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में घोष वादन की धुन पर पूरे शहर में उत्साहपूर्वक पथ संचलन किया. इस समय नागरिकों ने सड़क पर पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ाते हुए तहे दिल से स्वागत किया. राष्ट्रध्वज उतारते समय ध्वज को सलामी देकर एवं भारत माता की जय की नारेबाजी कर राष्ट्रध्वज को पूरे सम्मान के साथ नीचे उतारा गया. इस अलौकिक समारोह को देखने के लिए नगर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. बीसीएन न्यूज के लिए बल्लारपुर से सुनील ताड़ी की रिपोर्ट. गोंदिया जिले के बाजार में मटन से 2 गुना मशरूम महंगा बिक रहा है, यह करीब 1200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है. जिले के हर तालुका में मशरूम बेचा जा रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है. मशरूम मटन से 2 गुनी कीमत पर मिलते हैं. बारिश शुरू होने और बिजली कड़कने के साथ ही जंगली मशरूम बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाते हैं. फिलहाल इस जंगली मशरूम की बाजार में काफी मांग है. इसके साथ ही अच्छी कीमत भी मिलती है और कीमत 1200 से 1300 रुपए प्रति किलो है. पेटू लोगों का कहना है कि मशरूम को तोड़ी से लेकर मटन तक के रूप में गिना जाता है. यह जंगली मशरूम प्राकृतिक वन संपदा से घिरे जिले में बिकता है. गोंदिया जिले में बड़ा वन क्षेत्र है. इस जिले में बिजली के साथ बारिश होते ही यह मशरूम जंगली इलाकों में प्राकृतिक रूप से उग जाता है. इसकी खेती कहीं भी नहीं की जाती है, जंगली जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगता है. ग्रामीण सुबह जंगल जाते हैं और मशरूम खोदते हैं, फिर मशरूम को साफ पानी से धोया जाता है और बिक्री के लिए बाजार में ले जाया जाता है. मशरूम को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. यह मशरूम पूर्वी विदर्भ के वन क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगता है. यह मशरूम गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों के जंगलों में पाया जाता है. विशेषकर बांस का उत्पादन जंगलों में बहुतायत में होता है. श्रावण मास के दौरान नागरिक मांस नहीं खाते हैं, इसलिए इस दौरान मशरूम की भारी मांग रहती है. आयुर्वेदिक के लिए भी मशरूम का बहुत महत्व है. किसान अपने खेतों में नए नए प्रयोग कर अपनी फसलों को चर्चा में ला रहे हैं. अब जो फसल चर्चा में है वो है मशरूम की खेती. वर्तमान में इस समय गोंदिया शहर के बाजार में जंगली मशरूम की खूब चर्चा हो रही है क्योंकि प्रति किलो कीमत मटन से 2 गुनी है.
साथ ही मशरूम की बिक्री से विक्रेताओं को अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। विक्रेता हर्षदीप ओके के मुताबिक जुलाई के अंत से लेकर पूरे अगस्त तक मशरूम की मांग ज्यादा रहती है। बोंबोडी काय ही आपल्या विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या चार जिल्ह्यात रान भरपूर मात्रामध्ये असल्यामुळे ही रानभाजी या जंगलातच निघते आणि ही मुद्दामहून श्रावणच्या महिन्यात निघत असल्यामुळे आणि श्रावण महिन्यामध्ये जनरली हिंदू लोक मांसाहार नाही करत आणि त्यामुळे या भाजीला खूप किंमत असते आणि ही खायला फार चविष्ट असते आणि डॉक्टर पण ही खायला सांगतात, बऱ्याचशा बिमाऱ्या यापासून दूर होतात, ही गरम होते खायला, महाग असली तरी लोक हिला खाण्यापासून मागे पुढे पाहत नाही आणि त्यामुळे मध्यंतरी ही 1200-1300 रुपये किलोपर्यंत गेली होती पण सध्या 200-250 रुपये पाव आहे, तरी लोक हिला हमखास खातात। याला हिला याकडे बोंबोडी मशरूम असे वेगवेगळे नावाने हे ओळखली जाते। मुर्दईचे जे तासीर आहे ही गरम होते, त्यामुळे जे वात आणि लकवा जे लोक असतात आजाराने ग्रसित यांच्याकरिता ही फायदेमंद असते, त्यामुळे मुद्दामहून लोक या श्रावण मासमध्ये बोंबोडी खातात आणि या बाजार मानोर चौकच्या बाजारामध्ये आपण बघत असाल किती सारे दुकानं इथं लागलेले आहेत। आता सध्या 1600 रुपये किलो विकत आहे, आधी तर मांग होती, आता थोडीशी सस्ती झाली आहे। जंगल पहाडी एरियामध्ये आणतो, काढून छा डुंबरात राहते, डुंबर फ्रेश करून विकतो, इकडे ओलेली जास्त पाण्याची राहते म्हणजे ते जास्त कमी भरते आणि वाढलेली थोडी जास्त भरते। आता श्रावणच्या महिना चालू आहे, ते सगळं बंद आहे चिकन वगैरे, म्हणून हा शुद्ध आहे याला खातात लोक। श्रावण महिन्यातच येते, नाही 12 महिना आहे, श्रावण महिन्यात येते। ये तो बहुत महंगी है, रानभाजी है एक्चुअल में, और ये सावन के समय आते है, मांस मटन बंद रहता है, बंद रहने के कारण मांस मटन बंद रहता है, उसमें ये अपना भोमुड़ी की सब्जी रान भाजी बोलते हैं इसको कुछ लोग, इसका सेवन होता है। फायदे एक तो ये गर्म होती है, अभी जो उमस होती है उसको भी ये रिलीफ करती है, दूसरी बात है कि वही इसका पौष्टिक भी है। ये 200 रुपये पाव है, 800 रुपये किलो, अभी तो थोड़ी और सस्ती हुई है, नहीं तो और महंगी भी रहती है, 400 रुपये पाव तक बिकती है और लोग बहुत चाव से खाते हैं इसको। डॉक्टर लोग भी इसको सजेस्ट करते हैं सावन में खाना चाहिए, क्योंकि ये बस ये सावन में ही आती है, उसके बाद आती नहीं है। साल में एक बार ये जंगल से निकलती है और ये बारिश के समय ही आती है सावन में। महाराष्ट्र के दूसरे जिले में पहले महाराष्ट्र सरकार और सीएससी एसपीवी के सहयोग से पंचायत समिति हिंगनघाट में नया आधार पंजीकरण केंद्र, 0 से 18 वर्ष के रहने वालों को नए आधार कार्ड और आधार बायोमेट्रिक अपडेट और अन्य सुविधाएं आधार सेवा केंद्र से प्रदान की जाएगी। पंचायत समिति हिंगनघाट में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन 15 अगस्त को विधायक समीर कुनावार के हाथों किया गया। इस वक्त डॉक्टर महेश बहेकर, समूह विकास अधिकारी पंचायत समिति हिंगनघाट, सरकार सेवा केंद्र के जिला प्रबंधक अमोल महाडिक, मनोज बेदरकर, जिला हार्डवेयर इंजीनियर और सरकार सेवा केंद्र हिंगनघाट के राम बोंद्रे, तालुका प्रबंधक, सभी पंचायत समिति अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मिशन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र दिन के पावन शुभ अवसर पर सिहोरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में राका अध्यक्ष धनेंद्र तुरकर के हाथों तिरंगे ध्वज फहराया गया। वहीं सिहोरा पुलिस स्टेशन पर थाना प्रभारी नीलेश गोसावी के हाथों ध्वज फहराया गया। साथ ही पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे, तो साथ ही ग्राम पंचायत, जिला परिषद स्कूलों में ध्वजों को फहराया गया। 15 अगस्त 2023 को भारत की आजादी को 76 साल पूरे हो चुके हैं। हमारा देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसे मौके पर आम हो या खास नागरिक, सरकारी विभाग, स्कूली बच्चों ने सुबह से ही जल्दी उठकर तैयारी कर अपने अपने स्थान स्कूलों में जाकर देश के तिरंगे ध्वज के सम्मान में सलामी दी। सिहोरा के सभी स्कूलों में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें संजय गांधी स्कूल, आदर्श हाई स्कूल, महाराष्ट्र हाई स्कूल, जिला परिषद प्राइमरी, जिला परिषद हाई स्कूल के सभी स्कूल की ओर से रैली का आयोजन किया गया। रैली में भारत माता की जय, जय जवान जय किसान के नारों से गूंज उठा। ग्राम गुजरी चौक और पुरानी ग्राम पंचायत में तिरंगा फहराया गया। सभी नागरिक, स्कूल के बच्चे, शिक्षक या सभी ग्राम पंचायत की ओर निकल पड़े। ग्राम पंचायत के प्रांगण में मौजूद सभी में पहले राष्ट्रगीत गाया गया, उसी की पश्चात सिहोरा ग्राम सरपंच रंजना दिनेश तुरकर के हाथों मान वंदना कर तिरंगा ध्वज फहराया गया और सभी को मिठाई देकर बधाई दी गई। उस वक्त उप सरपंच सलाम शेख, ग्राम विकास अधिकारी मेघराज हेड़ाऊ, ग्राम पंचायत सदस्य, कर्मचारी, गांव के प्रतिष्ठित वामन सिंगन जुड़े, शिवा ढवाले, सुनील बिसेन,
रुपेश वैद्य, श्रीराम ठाकरे, छगन पेदी, लोकचंद ठाकरे, आनंदराव ठाकरे, मुकेश ठाकरे और अन्य किसान मौजूद रहे। सभी को मिठाई देकर बधाई दी गई। मिशन न्यूज के लिए सिहोरा से रणधीर नीमा की रिपोर्ट। मौदा शहर तथा तालुका के विविध गांव कस्बे के ग्राम पंचायत एवं स्कूल कॉलेज में मान्यवरों के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र और ग्रामवासी भारी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर कई स्कूलों में विविध स्पर्धा का आयोजन किया गया। इन स्पर्धा में रंगोली स्पर्धा, देशभक्ति गीत गायन स्पर्धा का आयोजन किया गया था। मिशन न्यूज के लिए मौदा से संजय गेड़े की रिपोर्ट।